बच्चे का जन्म से ही अस्थमा का प्रॉब्लम था, ठीक है, और वो प्रॉब्लम बढ़ता चला गया। जब उनके माँ पिताजी को समझ में आया कि मेरे बच्चे को सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, तो उसी समय से इनका अंग्रेजी दवा चल रहा था, ठीक है। ठीक है, जब दिक्कत होने लगा ज्यादा तो अंग्रेजी दवा चलाए। तो कहाँ कहाँ से दवा चलाए? अंग्रेजी दवा कहाँ कहाँ से? कहाँ यहाँ चलाए? हरिपुर से। डॉक्टर क्या बोलता था कि बच्चा ठीक होगा ना? ठीक होगा, गारंटी नहीं दिया था। गारंटी नहीं दिया था ये ठीक होगा, है ना? तो आज आप कहाँ से दवा, इनको कहाँ से दवा चला रहे हैं? कहाँ से चला रहे हैं? हाँ, ठीक है। अभी आपको कैसा लग रहा पहले से? बढ़िया लग रहा है। पहले ये जो था, ये आपको टनने वाला जो था पंप, ये पहले कितने बार लेना पड़ता था? दो बार, मतलब पूरा दिन में दो बार लेते थे और बाकी अंग्रेजी गोली भी खाते थे, ठीक है। तो जब से आपको ये आयुर्वेदा मेडिसिन, जब से आपको प्रमोटिंग किया गया है, ये आयुर्वेदा मेडिसिन जब से आपको दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पर, ये सेफ आयुर्वेदा प्रोप्राइटरी मेडिसिन जब से इसका बच्चे का चल रहा है, तब से इनका इम्प्रूवमेंट क्या आएंगे हम बच्चे से पूछेंगे कि बेटा अभी आपका तबीयत कैसा है, पहले जो प्रॉब्लम था अभी आप किस तरह का है? ठीक है, मतलब जो सांस लेने में दिक्कत हो रहा है, दिन में जो सांस आपको लेने में असुविधा हो रहा था, खस्ते थे, सोया रहते थे, शरीर में फुर्ती नहीं था, उस सारे प्रॉब्लम अभी है या हट चुके थे? हट चुके, यानी कि अभी आप बहुत अच्छा लगता है, आपको नींद भी होता है और खेलने कूदने का भी मन करता है या नहीं? करता है, यानी कि शरीर में फुर्ती आया है। और ये पंप जैसे कंटिन्यू जो लेते थे, अभी उतना पंप लेना पड़ता नहीं लेना पड़ता? तो ये देख सकते हैं एक बहुत बड़ा एक मिराकल रिजल्ट इस बच्चे का। 9 साल कितना उम्र हुआ? 8 साल उम्र है, और इसका एलोपैथी का 6 से 7 साल से इसका एलोपैथी का ट्रीटमेंट चल रहा था, जिस वजह से इसका तो मतलब तकलीफ जो था उसका कंट्रोल में था, मगर आज लगभग 1 से 1.5 महीना हुआ इस बच्चे का आयुर्वेदा मेडिसिन का ट्रीटमेंट चला था, जिस वजह से बच्चे आज बहुत अच्छा है, सुस्त है। आप सभी देख सकते हैं, ये एक मिराकल रिजल्ट है।